हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन वर्मा। मैं मोहाली में एक आईटी कंपनी में जिसका नाम है हार्मनी डाटा इंटीग्रेशन सर्विसेज में काम करता हूं। तो आज मेरा ऑफिस मुझे लेके जा रहा है कसौली। उन्होंने टूर प्लान किया है तो कसौली के दोस्तों, लिए। कसौली एक काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि मंकी पॉइंट है, यहाँ पे हेरिटेज मार्केट है, सनसेट पॉइंट है, क्राइस्ट चर्च है, माल रोड है, तिब्बत मार्केट है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर तो देखें। दोस्तों सारे एक्साइटेड हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं कसौली जाने के लिए। और हम की जा रहे हैं ग्रुप फ़ोटो। ये साइड से फ़ोटो है और ये सेंटर से ग्रुप फ़ोटो है। पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो भी आए हैं, ये एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं बस में। बाय बाय, बैठ गए हैं बस में। ये ड्राइवर साहब हैं, ये बस चला रहे हैं और हम जा रहे हैं कसौली की तरफ। और हमारी बस आ गई है मेन रोड पे। अब मैं दिखाता हूँ मेन रोड, ये है एयरपोर्ट रोड है, ये जाती है जीरकपुर की तरफ। कर रहे हो आप? आए हुए भी अंदर है। भाइयों, हम जा रहे हैं कसौली की तरफ। अभी ट्रैफिक कम ही है। यह उमेश और रूबिन, इन्होंने टूर ऑर्गेनाइज किया दोनों ने। ये और जो केक है ज़्यादा केक वेल सर, तो आप तो आप भी डर रहे हो। नहीं, मैं कौन सा बियर डाल के लाएंगे। ये है शिमला हाईवे, ये वाइन की शॉप आ गई है राइट साइड पे। एम्प्लॉई खेल रहे गेम्स। करेक्टर लेके चल रहा था मैं सर। बोलने से पहले ही हार जाते हैं। मैम गाओ कोई फिल्म। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हवेली, हवेली रेस्टोरेंट। ये हवेली रेस्टोरेंट कसौली के रास्ते में ही पड़ता है, धर्मपुर हाईवे के ऊपर। और हमारी टीम करेगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। नहीं जा रहे अंदर, हमारी टीम जा रही है हवेली के अंदर। वाह, सही है, सही है। शाबाश शाबाश, आओ पांडवों जुए में हार के। चलो तो दोस्तों, हवेली का जो रेस्टोरेंट है और रिसेप्शन एरिया है, वो है बेसमेंट में। और मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से नीचे। ये मैं पहुँच गया सीढ़ियों से रिसेप्शन एरिया पे। ये सीढ़ियों से आया था और अब मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट, ये काफ़ी खचा खच बड़ा हुआ, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती है। जो पीली टी शर्ट में है वो है उमेश, वो कर रहा है पता खाली सीट्स का। शायद हमें सीट्स मिल जाए। ये बारासिंगा है, शायद हमें सीट्स मिल जाए, ये उमेश पता कर रहा है।
ये येलो टी शर्ट में, तो लगता है हमें सीट्स मिल चुकी हैं भाइयों। यस, अब मैं जा रहा हूँ बेसमेंट। अभी रोटी खानी थी यार, हम मैम की कंडीशन। तो अब हम कर रहे हैं फोटोशूट्स सारे एम्प्लॉइज का। तो टीम कौन कौन रेडी है? फोटोशूट स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी टीम नाश्ता कर रही है परोठों के साथ, और साथ में मंगाई है लस्सी और लाइम वाटर। तो दोस्तों, हमारी टीम ने तीन तरह के परोठों का ऑर्डर दिया है। पहला है आलू प्याज का परोठा, दूसरा है गोभी वाला परोठा, और तीसरा पनीर वाला परोठा। पर जो एम्प्लॉइज़ को सबसे ज़्यादा पसंद आया उसका नाम है आलू प्याज वाला परोठा। तो दोस्तों, आप जब भी इस रेस्टोरेंट में आएँ तो आलू प्याज के परोंठे को ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलो दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं आगे का सफ़र। हवेली रेस्टोरेंट के बाहर कॉफ़ी शॉप्स हैं, ये इनका ब्रांडेड शोरूम है प्यूमा का। सेल लगी है 50%, ये फैक्ट्री आउटलेट ही है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आइसक्रीम खानी हो तो साथ वाली शॉप है। आगे शॉप है वाइन की, हिमाचल दूसरी बार वाइन मिलती है। और साथ वाली शॉप है पंजाबी चेफ लंच डिनर। अगर आपने पैसे ही बचाने हैं तो इस डब्बे में खाना खा लो। और अगली शॉप है वाइन की, तो मैंने ज़िंदगी में वाइन एक या दो बार ही मैंने देखी होगी, तो मेरी तमन्ना है कि मैं आज वाइन को देखूं, क्योंकि पंजाब में तो बस विस्की होती है। आज मैं वाइन देखने जा रहा हूं। ये दुकान पे पिकल भी है और जैम भी है, तो अचार भी देखेंगे और वाइन भी देखेंगे। तो अब भैया आगे देखते हैं इस दुकान में है क्या। या तरह तरह के अचार हैं, आम का अचार, करेले का अचार, हल्दी का अचार, हल्दी का भी अचार होता है, डेहों का अचार, लाल मिर्ची तो मिल जाती है, ये पंजाब में मिल जाते हैं अचार। ये बोले ये आम है, आम के अचार, हलगल भी मिल जाता है, बैम्बू अचार। तो भाइयों, मैं ज़िंदगी में दूसरी बार या तीसरी बार मैं देख रहा हूँ वाइन अपनी ज़िंदगी में, लाइव देख पा रहा हूँ मैं वाइन को। और ये है कीवी वाइन, ये तो कोरोना के टाइम खाया था कीवी। अच्छा, इसकी वाइन भी होती है। आ गया आड़ू वाली वाइन, काफ़ी बोतलें लगी हैं आड़ू वाली वाइन। अच्छा, आज पता लगा ये अदरक वाली वाइन भी होती है। ठीक है भैया, आ गया अंगूर वाली वाइन। चलो भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बस की तरफ। एम्प्लॉइज जा रहे हैं बस में, और अब हम करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कसौली के चौक।
या मास्टर सलीम के लगे हुए हैं गाने, लेफ्ट में है कसौली का चौंक, ये लेफ्ट में है निशान कसौली का, काफ़ी जाम है। अब हम बहुत ही कसौली ये पार्किंग है, हमने बस पार्क की है इससे दूर, यहाँ कार पार्क होती हैं, तो यहाँ भी नहीं होती, वो थोड़ी सी आगे है, ये भी रास्ता है पर यहाँ पे होती है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे होती हैं। आगे जाके है दोस्तों वाई बना हुआ, वाई के वाई जो है रास्ता, लेफ्ट में है चर्च, सनसेट पॉइंट और मंकी पॉइंट, यहाँ से मैं आया था पार्किंग, और राइट में है माल रोड और हेरिटेज मार्केट, मतलब माल रोड है राइट साइड। अब मैं पूछ लेता हूँ चर्च किधर है, चर्च भाई सामने बताया ही नहीं, देर पूछ के जाना पड़ना, बोर्ड पढ़ लेते हैं, आरओएस कॉमन द न्यू आरओएस कॉमन, आगे बोर्ड पढ़ लेते हैं नहीं तो पूछ लेंगे किसी से। लेफ्ट में वैसे मुझे याद है कि मैप पे देखा था कि लेफ्ट पे था सनसेट पॉइंट और चर्च, ये आ गया बोर्ड, बोर्ड पे पढ़ते हैं सनराइज पॉइंट ठीक है, मंकी पॉइंट ठीक है, चर्च चर्च सब पीछे ही है बोर्ड के, चर्च क्राइस्ट चर्च है कसौली की, ये बनी है 1844 में, जीसस सेड आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्राइस्ट चर्च डिओक्सी ऑफ अमृतसर CNI, ठीक है। संडे वर्शिप टाइम है 10 बजे और सर्दियों में है 10:30, मतलब वर्शिप टाइम 10 और 10:30 है गर्मी सर्दियों में। अब मैं जाता हूँ गेट के अंदर, बहुत प्यारी बनी हुई है चर्च, हाँ 1844 की लगती नहीं है, मतलब इतनी खूबसूरत बनी हुई है ये, इतनी मेंटेनेंस है इसकी। वैसे मैं अपनी लाइफ में कभी चर्च के अंदर नहीं गया, आज मौका मिला आज मैं जाऊंगा। ये मेरी टीम खड़ी है उधर सामने, ये पहले पहुंच चुकी थे, ये फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, ये दो एम्प्लॉइज से राहुल है ठीक है, ये राहुल आए, राहुल मैं जा रहा हूँ अंदर, राहुल भी आ रहा मेरे साथ, मैं राहुल और आशीष हम जा रहे हैं, कैमरा कर लिया ऊपर और सामने है, काफ़ी बड़ी चर्च है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस। हाय रोबिन, तो सामने म्यूजिकल लगा हुआ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक है अच्छा, और ऊपर है जीसस क्राइस्ट की फ़ोटोज़ हैं और मदर मैरी होंगे, मुझे तो पता नहीं इस रिलीजन का काम ही पता है, जीसस क्राइस्ट है ये, लोग इन्हें बहुत मानते हैं, मेरी मासी का लड़का वो बहुत मानता है इन्हें, वो तो क्रिश्चियन ही हो गया, मतलब बन गया, वो काफ़ी मानता है इन्हें। ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स जैसे मंदिर में जलाते हैं यहाँ भी जलाते हैं, अच्छा चर्च में भी जलाते हैं कैंडल्स, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं यहाँ प्रे करने, क्योंकि प्रे में बहुत शक्ति होती है, मेरा दोस्त भी कर रहा है प्रे, राहुल प्रे कर रहा है रोड को। मैं भी जब बीमार पड़ा था तो फादर ने की थी प्रे, तो मेरा कोरोना वगैरह सब ठीक हो गया था, तो मैं भी सभी को मानता हूँ, अल्लाह वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट सभी को, जैसे भी हो किसी भी रूप में भी हो भगवान, मैं सभी को मानता हूँ। एक बार फिर देख लूँ मैं जाके, जीसस क्राइस्ट का सिंबल है ये, काफ़ी बड़े बड़े बेंच हैं, लोग आए हुए, लोग तो कम ही हैं पर स्पेशियस बहुत है, मेंटेनेंस बहुत है इस चर्च की। आगे है जाके देखते हैं, ये अच्छा सामान, ये है साइन, क्रॉस साइन मिलती है यहाँ पे और साथ में कैंडल्स हैं। अब मैं ये आ गया चर्च के बाहर, आज देख लिया मैंने चर्च, अब मैं आ गया मार्केट में, माल रोड मार्केट, यहाँ शर्मा एंड ब्रोस की फोटोग्राफर की शॉप है, ये लगे अपने संजू बाबा, संजय दत्त, खुशवंत सिंह राइट में, और ये है पूजा बेटी, ये इस स्कूल था इनका, ये
यहीं पे पढ़ते थे। ये है सुखबीर सिंह बादल जी अपने, यहाँ पे एक कॉलेज है तो ये वही के स्टूडेंट। ये पंकज कपूर की फैमिली है, ये छोटा सिंह है, शाहिद कपूर है। ये है भूटान के राजा और रानी। अब टाइम कम है इसलिए मैंने फोटो ही शूट किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये माल रोड है, हेरिटेज मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सामान मिलता है, क्राफ्ट्स का, खाने पीने की चीज़ें बहुत मिलती हैं। आगे जाके आए ये फूड कॉर्नर है, आगे जाके आए बैपिस्ट चर्च, और ये भी बहुत अच्छी चर्च बनी हुई है, ये क्राइस्ट चर्च के बाद आती है बैपिस्ट चर्च। थोड़ी सी दूर जाने पे बैपिस्ट चर्च के राइट साइड पे एक कैंटोनमेंट पार्क है बच्चों के लिए, और ओपन जिम है, यहाँ आके बहुत शांति मिलती है और यहाँ पे लोग पिक्चर्स खींचते हैं। और अगली टूरिस्ट प्लेस है जो वो है सनसेट पॉइंट, वो है चर्च से थोड़ी ऊपर जाके, मतलब माल रोड की तरफ नहीं है, ये है चर्च से थोड़ी ऊपर जाके है, यहाँ पे लोग आते हैं और सनसेट देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, नेचुरल सा व्यू है। कई लोग आके यहाँ पे योगा करते हैं, तो मेडिटेशन पॉइंट इसे समझ लीजिए एक तरह का। ये है मंकी पॉइंट, ये हनुमान जी का मंदिर है, जब हनुमान जी संजीवनी लेने संजीवनी लेके जा रहे थे लंका, तो इनका पैर एक लग गया था इस जगह पे, तो उनके पैरों के निशान है, तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो काफ़ी ऊंची जगह पर है पहाड़ के ऊपर। तो ये था जी कसौली के जो है टूरिस्ट प्लेसेस। अब मैं जा रहा हूँ जी खाना खाने, हमारी टीम ने अरेंज किया लंच लब्बू किचन पे। ये है वादियाँ, लब्बू किचन है वो होटल के सामने, वो पास ही है कहते, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मैं पैदल अब चलूँगा। मेरी शक्ल देख लो, ये देखो मैं जा रहा हूँ जी 1 किलोमीटर पैदल लब्बू किचन। अब मैं पहुंच गया जी लब्बू किचन, लब्बू किचन आ गई है, लाबूस किचन। पास आके देखते हैं बोर्ड बार लगा हुआ, बाहर का एरिया है, अंदर आके देखते हैं। हाँ जी बोर्ड लगा हुआ है लाबूस किचन, तरह तरह के खाने हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यहाँ पे काफ़ी पार्टीज होती हैं, इंडियन चाइनीज तंदूरी सिजलर्स कॉन्टीनेंटल सारी तरह का फूड मिलता है। ये हमारे कंपनी के बॉस हैं, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, ये विक्रम सर हैं हमारे जी, ये बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर देते होंगे। ये है सारे एम्प्लॉइज, हाय हाय लोगो। दोस्तों अब हम कर रहे हैं एंजॉय,
को वोट दे रही है। बचाएगा सर? रुको जरा, रुको। उम्मीद सर की चोर चोर राशन चिकन, ठीक है चिकन चिकन। तो दोस्तों ये था हमारा ऑफिस का टूर मोहाली टू कसौली, तो टूर काफ़ी अच्छा रहा। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ना करें क्योंकि इससे वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब्ड हैं मेरे चैनल पे तो फिर आप सब्सक्राइब का बटन मत दबाएं, इससे आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।